नमस्कार, किरण रेसिपी में आपका स्वागत है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो आप उसे लाइक करें और शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज मैं बनाने जा रही हूँ पनीर बटर मसाला। आइए देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। 2 बड़े चम्मच मक्खन, 2 बड़े चम्मच फ्रेश क्रीम, 300 ग्राम पनीर, 2 बड़े प्याज बारीक कटे हुए, 2 हरी मिर्च, 2 टमाटर बारीक कटे हुए, 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 10-12 काजू, 1/2 छोटा चम्मच कसूरी मेथी, 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला, अदरक बारीक कटा हुआ और नमक स्वादानुसार। पनीर बटर मसाला बनाने के लिए आप पनीर को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें, ऐसे क्यूब में काट लें। आइए अब हम पनीर बटर मसाला बनाना शुरू करते हैं। गैस में हमने कढ़ाई रख दी है, गैस को ऑन कर दिया है। कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है। इसमें हम मक्खन डाल देंगे, 1/2 मक्खन डाल लें आप, 1/2 बचा लें। और मक्खन को पिघलने देंगे अच्छे से। मक्खन पिघल गया है, अब हम इसमें डालेंगे अदरक। अदरक डाल दें आप और हरी मिर्च, हरी मिर्च भी डाल लें। गैस को अब हम सिम कर लेंगे। सिम पर ही हम अदरक और हरी मिर्च को 1 मिनट तक भूनेंगे। हरी मिर्च और अदरक भून चुकी है, अब हम इसमें प्याज डाल देंगे। प्याज को भी हम सिम पर लगातार चलाते हुए 1-2 मिनट भून लेंगे। अब आप देख सकते हैं प्याज हमारा भून गया है। प्याज को हमको बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, हल्का 1-2 मिनट बस। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर। टमाटर को भी हम अच्छे से हिला लेंगे इसमें। अब हम इसमें डालेंगे काजू, काजू डाल दें आप। और इन सबको अच्छे से मिला लेंगे। इसमें अब हम ढक्कन लगा देंगे और इसको ढककर ही हम कम से कम सिम पर 3 मिनट तक पकाएंगे। 3 मिनट हो गए हैं, अब हम ढक्कन को खोल कर देख लेंगे। हिला लेंगे इसको अच्छे से। अब आप देख सकते हैं टमाटर हमारे अच्छे से गल चुके हैं। अगर आपको लगे टमाटर नहीं गले तो आप इसको 1 मिनट ढककर और पका सकते हैं, पर ये टमाटर हमारे गल चुके हैं अच्छे से। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद हम इसे मिक्सी कर लेंगे। प्याज और टमाटर ठंडा हो गया, अब हम इसको मिक्सी में डालकर मिक्सी कर लेंगे। मिक्सी में डाल लें आप इसे। और अब हम इसे मिक्सी कर लेंगे। प्याज और टमाटर को हमने मिक्सी कर लिया है, हमने इसका स्मूथ पेस्ट बना लिया है, आप देख सकते हैं। तो आप भी इसका ऐसे स्मूथ पेस्ट बना लें। अगर आपको लगे ये थोड़ा दरदर है या स्मूथ पेस्ट नहीं है तो आप इसको छान सकते हैं। आइए अब हम पनीर बटर मसाला बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने गैस में कढ़ाई रख दी है और कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है। ये कढ़ाई मैंने वही ले ली है जिसमें हमने अभी प्याज टमाटर भुना था, तो आप भी वही ले लें, चाहे तो आप उसी भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसमें बचा हुआ मक्खन डाल दूँगी। बचा हुआ मक्खन डाल लें आप इसमें, जो हमने बचा कर रखा था, और पिघलने देंगे इसको अच्छे से। अब मक्खन हमारा पिघल गया है, गैस को हम सिम कर देंगे। इसमें हम लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। और भून लेंगे इसको अच्छे से। मक्खन में लाल मिर्च डालने से इसका कलर बहुत अच्छा आ जाता है। इसमें अब हम ये प्याज टमाटर का पेस्ट डाल देंगे जो हमने मिक्सी किया हुआ था अभी, इसको डाल दें आप और हिला लेंगे इसको अच्छे से। और सिम पर आप इसको लगातार चलाते हुए 2 मिनट भून लें। 2 मिनट हो गए हमें इसे भूनते हुए। अब हम इसमें नमक डालेंगे। नमक डाल लें आप स्वादानुसार। नमक को भी अच्छे से मिक्स कर लें इसमें। गरम मसाला, ये गरम मसाला भी हम इसमें डाल लेंगे और इसको भी मिक्स कर देंगे इसमें अच्छे से। गैस को हम सेम ही रखेंगे। अब हम इसमें पनीर डाल देंगे।
और इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम इसको 2 मिनट और पका लेंगे ताकि ग्रेवी जो है हमारी पनीर में अच्छे से मिक्स हो जाए। 2 मिनट हो गए हैं, आप देख सकते हैं पनीर हमारा ग्रेवी में अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे क्रीम, क्रीम डाल देंगे अब इसमें 1 बड़ा चम्मच और थोड़ा बचा लेंगे। क्रीम को भी हम ग्रेवी में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कसूरी मेथी ले लें आप, उसको डाल दें इसमें। कसूरी मेथी को आप बारीक कर लें बिल्कुल। इसको भी इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पनीर बटर मसाला बनकर तैयार है, गैस को अब हम बंद कर देंगे और इसको किसी बाउल में निकाल लेंगे। एक बाउल ले लिया है हमने, पनीर बटर मसाला को अब हम बाउल में निकाल लेंगे। आप ये पनीर बटर मसाला को ऐसे एक बाउल में निकाल लें। अब हम इसमें क्रीम डाल लेंगे थोड़ा गार्निश के लिए, जो हमने बचा ली थी। गर्मा गर्म पनीर बटर मसाला बनकर तैयार है, आप भी इसको ज़रूर बनाएं। ये खाने में बहुत स्वाद होता है और आप चाहें तो इसको रोटी के साथ, नान के साथ या चावल के साथ भी खा सकते हैं। और अधिक रेसिपी जानने के लिए आप हमारे चैनल से भी जुड़ सकते हैं। आप अपना अनुभव किरण से रेसिपी पर शेयर करना ना भूलें।